चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेशन। बड़ी खबर है जहां ओपी चौटाला का प्लान भी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जब से राजनीति रूप से सक्रिय हुए हैं तब से हरियाणा की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। अब तो ओपी चौटाला किसानों के बीच जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में उनके दौरों का भी प्लान है। इसी को लेकर उन्होंने अब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कई बड़े बयान वो दे गए। उन्होंने सबसे पहले तो एक थर्ड फ्रंट की बात की है जिसके जरिए वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे पर बात करने के लिए 1 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने बाकायदा तारीख बताते हुए कहा कि 25 सितंबर को वो तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। इसी दिन चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी होता है। ओपी चौटाला का प्लान है कि वो बाकी प्रदेशों में जाकर थर्ड फ्रंट को यकीनी नहीं बनाए, लेकिन जिस जमीन पर वो तीसरे मोर्चे की फसल उगाना चाहते हैं वो जमीन क्या ओपी चौटाला को रास आएगी, ये बड़ा फैसला है। क्योंकि दो दिन पहले ही हरियाणा के जिले जींद में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच जब ओपी चौटाला पहुंचे तो स्थिति जरा बिगड़ सी गई थी। यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि इसी किसान आंदोलन के दम पर इनेलो अपनी खोई हुई सियासत ताकत पाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर उनके एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। जब जब ओपी चौटाला तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जींद में किसानों ने उन्हें राम राम कहने के लिए माइक तक नहीं दिया था, क्योंकि फिलहाल किसान आंदोलन ही उनकी पार्टी को बचाने का एकमात्र जरिया नजर आ रहा है। और जब किसान उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि जींद में जब ओपी चौटाला को बोलने के लिए माइक नहीं दिया गया और वो वहां से चले गए तब उस किसान से बात की गई जिसने ओपी चौटाला को माइक देने से इनकार किया था। उसने ओपी चौटाला पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसको छड़ी मारी थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। अगले दिन कई जगहों पर ओपी चौटाला के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका गया। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तरीके से तंज कसते हुए कहा कि ओपी चौटाला के साथ गलत हुआ, किसानों को उन्हें बोलने देने चाहिए था, क्योंकि हालांकि किसान पहले ही साफ कह चुके हैं कि किसी भी नेता को अपने मंच पर बोलने की इजाजत नहीं देंगे। क्या इसलिए किसानों के अलावा तीसरे मोर्चे का रास्ता भी खोलने की कोशिश ओपी चौटाला कर रहे हैं? आप भी कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।